मैं हूं अनिल राजभर, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। चांद के दीदार के मुताबिक 23 या 24 मार्च को मुकद्दस रमजान का पाक महीना शुरू होगा। रमजान के पहले दिन से ही रोजा, नमाज, इबादत व तरावी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इस साल रमजान के महीने में 5 जुम्मा पड़ने पर रोजेदारों में खास उत्साह देखा जा रहा है। रमजान के महीने में पहला जुम्मा 24 मार्च और पांचवा और लास्ट जुम्मा 21 अप्रैल को है। रमजान के महीने में सबब का दर्जा 70 गुना होता है। दरअसल पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से रमजान से पहले जरूरतमंद लोगों को जरूरत के सामान दिए गए। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष आसिफ गर्दी ने बताया कि ट्रस्ट की तरफ से जरूरतमंद की मदद तो की जाती है, मगर रमजान के महीना शुरू होने से पहले भी मदद की जाती है। साथ ही ट्रस्ट की तरफ से पूरे रमजान में सहरी का भी इंतजाम किया जाता है, जहां लगभग 1000 लोग सहरी में शामिल होते हैं। इसी तरह रमजान में राशन किट भी दिया जाता है। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से हर जरूरतमंद की मदद करने की पूरी कोशिश की जाती है। पीस चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष आसिफ गर्दी और मेंबर मुद्दसिर गर्दी और साबिर काजी ने क्या जानकारी दी है, हम आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हमें फिर एक मौका दिया रमज़ान की खिदमत का, अल्हम्दुलिल्लाह। आज का ये रमज़ान तोहफा किट हमारा तकरीबन 500 से 550 लोगों का होता है। ये हम लोग हर साल चांद रात के दिन देते हैं, लेकिन चांद रात में फिर तरावी वगैरह का मसला रहता है, फिर हम लोग को सहरी के लिए भी आता है, इसलिए 2 दिन पहले इसको दिया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद हमारा मुसलसल सहरी का इंतज़ाम जो रहता है पूरा महीना, वो रहेगा 500 से 600 लोगों में, और आखिरी अशरों में तो इंशाल्लाह 1000 क्रॉस ही होते हैं। लेकिन इस टाइम पे हमारा रफीक भाई टोटल 25,000 का टारगेट है हमारा, माशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा, बस दुआ करो कि अल्लाह इसमें आसानियाँ पैदा करे और इसको आसानी से चलाए। अभी जो फ़िलहाल है हमारा प्रोजेक्ट रमदान 2023 है, उसका आगाज़ हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। आज तोहफ़ा रमदान के किट्स बांटे गए हैं तकरीबन 500 प्लस लोगों में। इंशाल्लाह अभी माह रमज़ान भी इंशाल्लाह शुरू होगा तो सहरी का काम जो है शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। और जो डेली बेसिस पे हमारा काम है सहरी का, वो इंशाल्लाह 500 to 600 लोगों का डेली होगा। और इंशाल्लाह आखिरी अशरे में, यानी कि आखिरी के 10 से 15 रोज़ों में ये टारगेट हमने ऐसा सोचा है, अल्लाह इसमें हमारी ज़ायद से ज़ायद मदद करे। इसमें इंशाल्लाह हम टारगेट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह 1500 प्लस लोगों तक सहरी पहुंचाई जाएगी, और इस साल और राशन किट का भी इंतज़ाम होगा इंशाल्लाह, वो भी 1000 से ज़्यादा लोगों में दिए जाएंगे। और उसके बाद शिरकुरमा किट्स है, जो हमारा चांद रात, जैसे कि चांद नज़र आ जाता है कि अगले दिन ईद होगी, तभी इंशाल्लाह शिरकुरमा किट्स भी कई सारे लोगों में बांटे जाएंगे। और बस ये काम चलता रहे, अल्लाह से दुआ करता हूँ। और उमरा के जितने भी लोग हैं जो हम तक नहीं पहुँच सक रहे हैं, मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह उन्हें इसी तौफीक दे के वो हम तक आके पहुँचे। हमारे से हम जो इस काम को का मतलब चलाने का बेड़ा उठाए, इंशाल्लाह उसमें और भी कांधे जुड़े, मैं इसी दुआ करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग को अगर हमारे काम के बारे में ज़ायद मालूमात करना है तो हमारा फेसबुक पे एक पेज भी है पीस चैरिटेबल ट्रस्ट का, उससे आप ज़ायद मालूमात भी ले सकते हैं कि हमारा काम कैसे कहाँ होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं शब्बीर काजी पीस चैरिटेबल ट्रस्ट से बात कर रहा हूँ। मेरे बहुत सालों से इनके साथ में मैं जुड़ा हूँ, अशिक भाई से और उनके भाई के साथ भी, तो इनका जो काम है 4 साल से तो मैं लगातार देख रहा हूँ उनके साथ। हमेशा जब भी इन्होंने कॉल किया मैं आते रहता हूँ, और मेरा हमेशा ताउन रहता है, चाहे मैं जाती तौर पे भी आता हूँ और पैसे से भी इनकी मदद करता हूँ, और मैं दूसरे लोगों से भी कन्वेंस करके इनका कलेक्शन करके इनको डोनेट कराने की कोशिश में जारी रहता हूँ। और मेरी इनकी दुआ है, मेरी दुआ है इनको कि हमेशा ये काम चलता रहे, मतलब मैंने इस तरह हमारी खिदमत करते रहे बस।